Good morning, students. Today we will continue our lesson number 11, that is land roots. Okay, so in this importance of place, today we will do this topic. Clear? Last time we have done about plateaus. Before then that about mountains. Okay, so today is our topic is plain. We have completed plains and its classification. We have just left this importance of plain, and then we will go through next topic, which are very small, small. Okay. So let us remind what we have done last time. Plains. What does plains mean? So I just told you that there is a very minor difference between the definition of plateau and plains. Okay, very minor difference between the definition of plateau and plain. That is, ki plateau jo hai wo more than 180 meter above the sea level, aur plain jo hai wo less than 180 meter above the sea level height hoti hai. ठीक है, ये इतना minor difference है दोनों के डेफिनेशन में, प्लेटियो के और प्लेन के. सो दैट हम सिर्फ इतना माइनर डिफरेंस याद रख के उसको याद कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बार हम डेफिनेशन रिकॉल कर लें प्लेन की. तो लेवल लैंड और फ्लैट लैंड एट द हाइट ऑफ लेस देन 180 मीटर अबव द सी लेवल इज नोन एज प्लेन्स. Is known as plains. Clear? Plains किसको बोलते हैं? जो 180 मीटर से भी कम हो सी लेवल से, उसको हम plains बोलते हैं. और plateau किसको बोलते हैं? जो सी लेवल से 180 मीटर ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Plateau. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने plains में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ plains. नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स में क्या पढ़ाते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लेन्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस होता है. किसके ऊपर हम उसको क्लासिफाई अलग करते हैं? तो प्लेन्स के जो है उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन हुआ है, वो बने हैं, उसके ऊपर से हम जो है उनको क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, फिर प्लेन जो है क्लासिफाई किए थे हमने तीन में. कितने में प्लेन हमने देखे थे कि कितने हैं प्लेन्स के टाइप? 1, 2 एंड 3. तीन प्लेन्स. ठीक है, फर्स्ट प्लेन था कोस्टल प्लेन. फर्स्ट प्लेन कौन सा था? कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि उसके नाम से ही हमें उसका मीनिंग पता चल जाना चाहिए. कोस्टल प्लेन को स्ट्रक्चरल प्लेन भी बोलते हैं. कोस्टल प्लेन्स को स्ट्रक्चरल प्लेन भी बोलते हैं, बराबर. तो कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन को स्ट्रक्चरल प्लेन बोलते हैं. और कोस्टल प्लेन्स में जो कोस्ट के वहां पे होते हैं वो, ठीक है, तो हमने इस तरीके से, अब कोस्ट मतलब जो है किनारे पे, जो कोई सी शोर है उसके किनारे पे, ड्यू टू जियोलॉजिकल मूवमेंट, कोई जियोलॉजिकल डेफिनेंस की अर्थ की मूवमेंट की वजह से सी शोर जो समुद्र है उसके किनारे का जो पार्ट है वो पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर आ जाता है और वहां पे प्लेन फॉर्म हो जाता है. उस टाइप के प्लेन्स को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल प्लेन. क्लियर. सेकंड हमने पढ़ा था इरोजनल प्लेन. सेकंड हमने पढ़ा था इरोजनल प्लेन.
लेक्चर में जब ध्यान से सुना होगा तो आपको आ जाएगा ये जो इरोशनल प्लेन दैट मींस कि जो इरोशन की वजह से फॉर्म होता है। अब इरोशन दैट मींस क्या, तो इरोशन दैट मींस कि हमने ये वर्ड सुना है सॉइल इरोशन, साइंस के अंदर सॉइल इरोशन हमारा पढ़ता है। इरोशन मतलब कि खराब हो जाना, जो जमीन खराब हो जाती है। सॉइल इरोशन मतलब कि वो सॉइल जो इरोशन हो चुकी है, जो खराब हो चुकी है, ठीक है। तो खराब इन सेंस कैसे और किस तरीके से और क्यों, तो खराब मतलब कभी नेचुरल कैलिमिटीज की वजह से या विंड की वजह से, कभी ओवर फ्लड की वजह से जो लैंड का जो पार्ट होता है उसके ऊपर का जो लेयर है, जो जिसकी वजह से प्लांट्स है उनकी फर्टिलिटी होती है और प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं, लैंड के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। लैंड के ऊपर वाला पार्ट जिसकी वजह से जो है वो प्लांट अच्छे ग्रोथ होता है। बट ड्यू टू समटाइम्स विंड, बहुत विंड आने की वजह से ऊपर का लेयर पूरा उड़ के चला जाता है। अब ये लेयर चले जाने की वजह से ये जो सॉइल है वो इरोजन हो गई, क्योंकि यहाँ पे अब कोई प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, कोई प्लांट की अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी और उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो इन सेम पे इरोशनल प्लेन मतलब जो जमीन इरोशन हो चुकी है, खराब हो चुकी है, वहां पे प्लेन फॉर्म होते हैं। प्रोसेस ऑफ इरोशन गोज ऑन कंटिन्यूअसली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओवर द लॉन्ग रन ऑफ टाइम, सच प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इरोशन ओके व्हिच अकर्स इन माउंटेन्स एंड प्लेटू because of natural factors like river, wind, air and glaciers. इन सब फैक्टर की वजह से माउंटेन में mostly जो है सॉइल इरोशन होता है, रिवर, विंड और ग्लेशियर की वजह से, जो वहां पर की फर्टाइल लैंड होता है ऊपर का वो सब चला जाता है, फिर वहां पे प्लेन फॉर्म हो जाता है और उस टाइप के जो प्लेन फॉर्म होते हैं उनको हम इरोशनल प्लेन्स बोलते हैं, क्लियर। फिर उसमें से हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, वो तो आपको लर्न करना है। फिर नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड है डिपोजिशनल प्लेन। ये भी इजी है, इसके नाम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो है वहां शूटिंग कर
इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है, शांति होती है, नो डिस्टरबेंस एट ऑल, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स हम आज देखेंगे। ये सब जो थे वो इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन या तो प्लेटें, ठीक है। अब जो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन में है, प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड ट्रेड कॉमर्स आर एस्टेब्लिश्ड इन द फर्टाइल प्लेन। जो ये और ये दोनों कैसे प्लेन है? फर्टाइल प्लेन मीन्स यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो प्लेन है वो फर्टाइल प्लेन। तो यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन एंड ट्रेड कॉमर्स, ह्यूमन हैबिटेशन मतलब कि जो लोग रहते हैं, हैबिटेशन मतलब घर, लोग रहते हैं वहां पे, और ट्रेड कॉमर्स मतलब बिजनेस करने के लिए भी वहां पे है। कहां पे? फर्टाइल प्लेस, ठीक है, क्योंकि फर्टाइल है तो वहां पे लोग रहते भी हैं, वहीं पे एग्रीकल्चर करते हैं और जो है उसको सेल करते हैं, तो हो गया कॉमर्स, क्लियर। तो दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, क्लियर। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन में। नेक्स्ट है फ्लैट प्लेन्स हैव प्रोवाइड मोर यूजफुल फॉर रोड रूट्स एंड रेल रूट्स। जो फ्लैट तो अच्छे प्लेन्स होते हैं ना, फ्लैट इस तरीके से एकदम, वो क्या है एज अ रेल रूट और रोड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे, क्योंकि अच्छे अगर प्लेन है तो यहाँ से हम रेलवे लाइन पास कर सकते हैं, रोड रूट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। फिर ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है सिटीज हैविंग डेंस पॉल्यूशन आर सिचुएटेड इन द प्लेन्स। जो जहां पे बहुत डेंस, बहुत घना पॉपुलेशन वहां पर अब जो है वो लोग प्लेन्स के यहाँ पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, क्लियर। डेंस पॉपुलेशन जहाँ बहुत भीड़ भाड़ सिटी वाला जगह है वहां से लोग प्लेन्स के यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इतना डेंस नहीं है पॉपुलेशन, ठीक है। फिर फर्टाइल लैंड इज मोर यूजफुल फॉर फार्म प्रोडक्शन। जैसा मैंने पहले ही बताया फर्स्ट पॉइंट है, वही पॉइंट है कि फर्टाइल प्रोडक्शन जो है दैट मींस की जो फर्टिलिटी है इनकी, तो इसके लिए प्लेन्स जो है बहुत यूजफुल रहेंगे फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। यहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर की ग्रोथ कर सकते हैं अच्छे से, फार्म प्रोडक्शन के लिए बहुत यूजफुल है फर्टाइल। फार्म प्रोड्यूस सप्लाइज रॉ मटेरियल, और जो फार्म में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होते हैं सप्लाई, वो रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करते हैं इंडस्ट्री को, क्लियर। जो फार्म में से जो प्रोडक्ट बनती है, फार्म की प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई, फार्म में क्या प्रोड्यूस होते हैं तो रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल जो है ये फार्म वाले रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके इंडस्ट्री को देते हैं, ठीक है। फार्म में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है और वो रॉ मटेरियल वो सप्लाई करते हैं इंडस्ट्री को, ठीक है। और इस तरीके से ये प्लेन जो है हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन जो है ना, फिनिश हुआ।
इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन वाला जो टॉपिक है यहाँ फिनिश हुआ। अब हम सेकेंड टॉपिक लेंगे, वो है बे। बे बे मतलब हम नॉर्मल भाषा में बोले तो बे ऑफ बंगाल आपने सुना हो, मतलब अगर इसको आपने हिंदी या गुजराती में सुना होगा तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाई है ना, तो ये बे। तो बे अब होता क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जो आपने अभी तक नाम सुना है तो अब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। यूजुअली अ पार्ट ऑफ एन ओशन वाटर, यूजुअली अ पार्ट ऑफ ओशन वाटर, बे मतलब कि ओशन का ही पानी होता है, इज कॉल्ड बे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज बे, गिव एग्जांपल, एग्जांपल देने हैं इसके। तो यूजुअली अ पार्ट ऑफ एन ओशन वाटर, यूजुअली अ पार्ट ऑफ ओशन वाटर, एक ओशन का जो पानी का ही एक पार्ट होता है उसको हम बे बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बे। ठीक है, तो व्हाट इज बे, यूजुअली अ पार्ट ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड बे। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे टेक शेप लाइक ह्यूज एंड वाइड लेक सराउंडेड बाय द लैंड, ये जो है ओशन का ही पानी होता है बट वो इस तरीके से बहुत बड़ा सा ह्यूज शेप ले लेता है और आजू बाजू का एरिया जो होता है वो सब होता है लैंड एरिया। आजू बाजू का जो एरिया होता है वो लैंड एरिया। तो द बेस कैन बी लार्ज एंड स्मॉल, जरूरी नहीं है कि ये बड़े, ये लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, नहीं कोई फिक्स। द बे ऑफ बंगाल इन इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ओनली बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक दैट बे ऑफ बंगाल is example which is very common. So that is it clear to you what is bay? So usually a part of ocean's water is called bay. Bay मतलब क्या? तो oceans का जो पानी होता है उसको हम bay बोलते हैं। Ocean का जो पानी है उसको हम bay बोलते हैं। ठीक है? और वो ओशन का ही पानी होता है, लार्ज बड़ी साइज फॉर्म हो जाती है उसकी, आजू बाजू में लैंड होता है, बीच में पानी लेक के जैसे फॉर्म हो जाता है, बड़ा सा ह्यूज साइज और लेक की तरह, और साइड में लैंड, वो लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, दोनों में से कोई, बट इट्स नॉट फिक्स दैट इट इज लार्ज ओनली और इट इज स्मॉल साइज। Okay, is it clear to you? Bay, an example of bay is Bay of Bengal, which is very common. Bay of Bengal is in India, and best example of bay. That's it. Now, second one is Gulf. Second is Gulf. Gulf. What does Gulf mean? Gulf of Kutch, Gulf of Kambar. Did you ever listen this examples? Gulf of Kutch or Gulf of Kambar? If yes, then very good. If no, then we will learn about it today in this topic. Okay? First of all, we should
what is gulf? We should know what is gulf. So when watery area is surrounded by the land from three sides, when watery area surrounded by land from three sides, it is called gulf. So we are at gulf. What is gulf? So gulf means when watery area is surrounded by land from three sides. Watery area जो है वो surround हो गया land के through तीनों sides से, तीन sides से, is called gulf. उसको हम gulf बोलेंगे. ठीक है? तो ऐसे भी हो सकते हैं. और ऐसा है एक n 1 2 3. तो वाटरी एरिया दैट मींस कि यहाँ पे जो है पानी और उसके तीन साइड में, तीनों साइड से वो सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, तीन साइड से वो लैंड से कवर्ड है. ठीक है? तीन साइड से सराउंडेड बाय लैंड, दैट मींस यहाँ लैंड है, यहाँ लैंड है और यहाँ पे भी लैंड है. ठीक है? और ये साइड में जो है यहाँ पे लैंड नहीं है, या फिर ऐसे भी एक दो तीन, तीनों साइड से ये लैंड से कवर्ड है. सो ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड गल्फ. और इसको हम जो है गल्फ बोलते हैं. क्या बोलेंगे हम इसको? गल्फ. So now we will revise once again. When watery area surrounded by land from three sides, watery area surrounded from three sides, surrounded by the land from three sides, it is called gulf. And the best example of gulf is Gulf of Kambat and Gulf of Kutch. Example are Gulf of Kambat and Gulf of Kutch. These are examples of Gulf. Gulf of Kutch and Gulf of Kambat. Is it clear to you what is Gulf? So we will move forward. And our next is Cape Town. Did you hear this word, Cape Town? Cape word. आपको याद नहीं आ रहा? टीवी तो हम सब देखते ही हैं, आप सब देखते हो टीवी. तो टीवी के अंदर सीरियल आती है, खतरों के खिलाड़ी आती थी मींस. तो उसमें जो है शूटिंग कहाँ होती थी? कुछ सीजन्स उसके कहाँ हुए? केप टाउन में. तो वहां पे आपने सिर्फ ये वर्ड सुना होगा, क्या नॉट मोर, बट ये सिर्फ वर्ड का एटलीस्ट वहां पे सुना ही होगा. तो कैप इज अ
परपेंडिकुलर एंड ऑफ लेंथ, कैप मतलब होता क्या है, परपेंडिकुलर एंड ऑफ लेंथ दैट एक्सटेंड्स इनटू द वाटर बॉडी। परपेंडिकुलर लेंथ का एंड पार्ट है जो एक्सटेंड होता है, बढ़ता है खत्म कहां पे, तो इन द वाटर बॉडी, वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी दैट मींस कि रिवर भी है, ओशन भी है और सी भी है, लेक भी होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैप। इट इज ऑल्सो नोन एज सी लाइन, और इसको कैप को हम सी लाइन भी बोलते हैं, कैप को हम सी लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैप क्या है, तो इज अ परपेंडिकुलर एंड ऑफ लाइन, इट इज अ परपेंडिकुलर end of land that extends into water body. Water body, ठीक है? It is also known as sea lion, and it is also known as sea lion. शेप होता है दैट एक्सटेंड्स इनटू वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में स्ट्रेन होता है, इसलिए उसको सी लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी जो बोला है यहाँ पे तो वो मोस्टली ओशन के यहाँ पर की बात है, ओशन में ही वो एक्सटेंड होता है, इसलिए वो सी लाइन भी बोला जाता है। इज इट क्लियर टू यू? इंडिया में इसका एग्जाम्पल हम अगर देखने जाए तो कन्याकुमारी, ठीक है, इंडिया में एग्जाम्पल देखने जाए तो कन्याकुमारी इसका कैप का एग्जाम्पल है, और दूसरा है कैप ऑफ गुड होप, वो अफ्रीका में, कैप ऑफ गुड होप वो अफ्रीका में। So is it clear to you? Is it clear to you that is cap? What is cap means? Cap, gulf, bay, importance of names. And also we have done about plateaus, about what is plateau and classification of plateaus we have done. This one. So what we have done today? Is everything clear to you? Okay, so just note down all these things.
reading a book, it is very important for you. Okay? Now, एक बार हम रिवाइज कर ले, हमने क्या किया, प्लेट्यू जो मोर देन 180 मीटर अबव सी लेवल और प्लेन मोर लेस देन 180 मीटर ठीक है अबव सी लेवल. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन हमने देखा कि वो प्लेन है, फ्लैट सरफेस होता है, इसलिए रोड रूट और रेल रूट के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए भी अच्छा है, फर्टाइल लैंड है इसलिए एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, फार्म जो है वहां पे प्रोडक्शन फार्म प्रोड्यूस है वहां पे, दैट मींस खेत है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं और इस तरीके से ट्रेड होता है. और बे मतलब क्या, तो ये डेफिनेशन है और बेस्ट एग्जांपल बे ऑफ बंगाल व्हिच इज यू आर अवेयर फ्रॉम इट. गल्फ, गल्फ का ये डेफिनेशन है और ये दो एग्जांपल है, गल्फ ऑफ कच्चा एंड गल्फ ऑफ अंबर. दूसरा है कैंप, कैंप का डेफिनेशन और कैंप में कैंप एक हमारे इंडिया के अंदर हम कैंप देखने जाए तो कन्याकुमारी और यहाँ पे दूसरा है आपने कहा था कैंप ऑफ गुड होप. ओके सो ये वाला क्लियर है, आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. ओके Just note down all these things in your notebook. Very important for you.